फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं छुहारे के ये 10 फायदे। क्या आप जानते हैं छुहारा और खजूर एक ही पेड़ से उत्पन्न होते हैं। दोनों की तासीर गर्म होती है और दोनों शरीर को मजबूत बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। गर्म तासीर होने के कारण ही सर्दियों में तो इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। आइए जाने छुहारे के अनूठे फायदे। नंबर 1, मासिक धर्म। सर्दी के दिनों में कई महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं, इसके लिए छुहारे फायदेमंद है। छुहारे खाने से मासिक धर्म खुलकर आता है और कमर दर्द में भी लाभ होता है। नंबर 2, बिस्तर पर पेशाब। छुहारे खाने से पेशाब का रोग दूर होता है। बुढ़ापे में पेशाब बार बार आता हो तो दिन में 2 छुहारे खाने से लाभ होगा। छुहारे वाला दूध भी लाभकारी है। यदि बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता हो तो उसे भी रात को छुहारे वाला दूध पिलाएं। ये शक्ति पहुंचाते हैं। नंबर 3, रक्तचाप। कम रक्तचाप वाले रोगी 3-4 खजूर गर्म पानी में धोकर गुठली निकाल दें। इन्हें गाय के गर्म दूध के साथ उबाल लें। उबले हुए दूध को सुबह शाम पिए। कुछ ही दिनों में कम रक्तचाप से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 4, दांतों का गलना। छुहारे खाकर गर्म दूध पीने से कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग जैसे दांतों की कमजोरी, हड्डियों का गलना इत्यादि रुक जाते हैं। नंबर 5, कब्ज। सुबह शाम 3 छुहारे खाकर बाद में गर्म पानी पीने से कब्ज दूर होती है। खजूर का अचार भोजन के साथ खाया जाए तो अजीर्ण रोग नहीं होता तथा मुंह का स्वाद भी ठीक रहता है। खजूर का अचार बनाने की विधि थोड़ी कठिन है, इसलिए बना बनाया अचार ही ले लेना चाहिए। नंबर 6, मधुमेह। मधुमेह रोगी जिनके लिए मिठाई, चीनी इत्यादि वर्जित है, सीमित मात्रा में खजूर का हलवा इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर में वह अवगुण नहीं है जो गन्ने वाली चीनी में पाए जाते हैं। नंबर 7, पुराने घाव। पुराने घावों के लिए खजूर की गुठली को जलाकर भस्म बना लें। घावों पर इस भस्म को लगाने से घाव भर जाते हैं। नंबर 8, आँखों के रोग। खजूर की गुठली का सुरमा आँखों में डालने से आँखों के रोग दूर होते हैं। नंबर 9, खांसी। छुहारे को घी में भूनकर दिन में 2-3 बार सेवन करने से खांसी, छींक, जुकाम और बलगम में राहत मिलती है। नंबर 10, जुए। खजूर की गुठली को पानी में घिसकर सिर पर लगाने से सिर की जुए मर जाती हैं। सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है, ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। ये चैनल इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। थैंक्स फॉर वॉच।